अकलीमुल्ला है और मैं इस वक्त HOD मिनहाज यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ। मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे जो उसको शेयर करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि आज मैं यहाँ पे जब ई चौपाल के चैनल से फार्मेसी के व्यू पॉइंट से बात करना चाह रहा हूँ। मेरा जो सारा एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, वो हॉस्पिटल फार्मेसी का है। मैंने अपना करियर जो है वो 2011 में नेशनल हॉस्पिटल से शुरू किया, उसके बाद नेशनल हॉस्पिटल, डॉक्टर्स हॉस्पिटल और फिर बैरिया हॉस्पिटल जो है काम किया एज ए हेड ऑफ फार्मेसी सर्विसेज। उसी सिलसिले में आज मैं जो है आने वाले जो फार्मेसिस्ट हैं उनसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। स्पेशली जो लोगों की मिसकंसेप्शन है कि फार्मेसी के अंदर वेजेस वाइज सैलरी जो है वो काफ़ी कम है, आज मैं जो है वो स्पेशली इसी भी पॉइंट से बात करना चाह रहा हूँ कि आपने सैलरी ज़्यादा लेनी कैसे है और आपने उनकी नीड कैसे बनना है। हमारा फार्मेसिस्ट जो है वो जब एक फार्मेसी में जाता है उसे पूछा जाता है कि आपका काम क्या है, तो जो डायरेक्टली जो है वो ये बात कहता है कि जो पेशेंट काउंसलिंग है ये करनी है और इसी बार नारकोटिक्स का रजिस्टर मैंने मेंटेन करना है, ड्रग इंट्रैक्शन चेक करने हैं, ADRs को रिपोर्ट करना है। बिल्कुल ये सारे काम जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ये आपकी प्रायोरिटी नहीं हो सकती। ये आपको जो है वो बिल्कुल 1 करोड़ के अंदर जो है वो अच्छी सैलरी तक नहीं लेके जा सकते। इसके लिए आपको जो है वो सबसे पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो सीखना है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो ब्रांड्स है और जो है वो मैन्युफैक्चरर्स और आपको पता है कि जेनेरिक प्रेस्क्राइबिंग यहाँ पे नहीं है। हमने इसी वो व्यू पॉइंट से सबसे पहले जो है वो ब्रांड्स, अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ब्रांड्स और अच्छे मैन्युफैक्चरर्स के बारे में जानना है, उसके बाद हमने उनकी जो है वो स्ट्रेंथ के बारे में जानना है, उसके बाद फिर उसकी डोज जो है वो आपको मेमोराइज कर सकेगी। और इसी तरह से जो है मैंने ऑब्ज़र्व किया है अपने 13 साल के करियर के अंदर, उसमें फार्मासिस्ट फार्मेसी के अंदर सबसे पीछे जो है वो बैठा होता है और जो सारी की सारी प्रोक्योरमेंट है वो एक लेमैन कर रहा होता है। हालांकि ये अच्छी प्रोक्योरमेंट जो है वो फार्मासिस्ट कर सकता है और यही की बात मैं यहाँ पर जो कहना चाहूँगा कि जो जिस बंदे को प्रोक्योरमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट आती है वो फार्मेसी का बादशाह है और उसके लिए जो है वो ऑनर के दिल में नर्म गोशा भी मौजूद है और वो उसको कभी भी लूज़ नहीं करना चाहेगा, बिकॉज सारे का सारा सिस्टम जो है वो फार्मेसी के परचेजर के ऊपर खड़ा होता है। जब आपने ये सारी चीज़ें जो है वो लर्न कर लेंगे, आप एक अच्छी सैलरी के ऊपर जो है वो पहुँच जाएँगे। उसके बाद जो क्लिनिकल का काम है, क्लिनिकल का काम जो है वो ऐसे तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर भी एक्सेप्शन ऑफ जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो मैंने देखा है जो लूप होल्स हैं वो हमने लूप होल्स को जाके जो वहाँ से काम शुरू करना है। और सबसे बड़ा लूप होल ये है कि डोज के एरर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है और ये नर्सिंग एंड से जब एडमिक्सिंग का जो वो एक मेन इसका प्रॉब्लम है, हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। करना क्या है, एसेप्टिक एरिया बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ जो 2 मिलियन का जो बजट अरेंज करना है और एक जो है वो उसके अंदर जो सेटअप बना के उसकी डिस्पेंसिंग जो हम शुरू कर दें और उससे क्या होगा कि सारी की सारी प्रेस्क्रिप्शन जो है वो आपके पास आएगी। अब आपने डोज जब जो डिस्पेंस करनी है ऑटोमेटिकली डोज की जो चेकिंग हो जाएगी, जब डोज की चेकिंग हो जाएगी तो ऑब्वियसली आप इस पोजीशन में होंगे कि अगर डोज के अंदर कोई मिस्टेक है या इरेशनल डोज है, मिस्टेक का वर्ड तो खैर जो है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, इरेशनल अगर कोई जो है डोज है तो उसको आप इस पोजीशन में होंगे कि आप कंसल्टेंट के साथ उसको जो डिस्कस कर सकें और जो है उसको रैशनलाइज कर सकें। इसी तरह जो है वो एट द सेम टाइम जो है इंट्रैक्शन और बाकी चीज़ें भी आप जो कर रहे होंगे। और एज़ फार एज कंसर्न अबाउट द OPD पेशेंट, अगर आपको जो है आप फार्मेसी के मैनेजेरियल लेवल तक पहुंच जाते हैं वो वही बंदा पहुंच पाएगा जिसको सेल्स भी आती है और उसके प्रोक्योरमेंट भी आती है, फिर आपके पास भी इक्वली चांस है आप जो वो पेशेंट की काउंसलिंग कर सकें और एट द सेम टाइम आप आने वाले फार्मासिस्टों के लिए भी एक जो है वो प्लेटफॉर्म
वहाँ पर मुहैया कर सकते हैं कि वो आसानी के साथ पेशेंट काउंसलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो फार्मासिस्ट के लिए इट्स सेल्फ सिर्फ और सिर्फ जो है वो पेशेंट काउंसलिंग और नार्कोटिक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें जो है वो अदरवाइज़ जो है वो आपको जो है वो पे नहीं करेंगे। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू वर्क बाई योर सेल्फ। और जितने भी फार्मासिस्ट जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, मेरी उनको जो है वो एक ही एडवाइस है कि प्लीज़ खुदा के लिए अपनी चेयर से उठें और उठ के जो है वो काउंटर पर आएँ और आकर जो है उस प्रेशर को फेस करें। आप जब जो पेशेंट को खुद से फेस करेंगे तो फिर जो है वो उसकी आपकी सेल्स भी ठीक हो जाएंगी, आपका एनए भी मैनेज हो जाएगा, आपकी प्रोक्योरमेंट भी ठीक हो जाएगी और साथ साथ आपको जो है पेशेंट को सेल करने का भी मौका मिलता है। थैंक यू वेरी मच।